बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस समय हम खड़े हैं बनारस के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ के लोगों से हम बात करके आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का मिजाज क्या है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं और आखिरकार ये चाहते क्या हैं अपने नेताओं से, जो कम से कम चुनावी मौसम इनके दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये है बनारस रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का नज़ारा जहाँ पर देश विदेश से सैलानी यात्री आते हैं, क्योंकि इसे टूरिस्ट हब कहा जाता है। तो सबसे पहले जो छवि लेकर जाते हैं रेलवे स्टेशन ठीक सामने, वो इस गंदगी की छवि लेकर जाते हैं। तो सरकार ने, अगर माने सरकार ने ही काम किया है कि सिर्फ बनारस को गंदगी दी है और कम से कम आईना होता है, कोई भी घर हो कोई स्टेशन हो वो उस शहर का आईना कहा जाता है। तो अगर आईना इतना गंदा है तो शहर की छवि कोई भी टूरिस्ट लेकर क्या जाएगा, क्योंकि ये दर्द है एक बनारसी का और इस पूर्वांचल के में रहने वाले लोगों का भी, क्योंकि कहीं एक जगह की अगर छवि बिगड़ती है तो शायद पूरे शहर की छवि बिगड़ जाती है। हम लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है सरकारें जो होती हैं वो काम नहीं करती, सिर्फ वादा ही करती हैं क्या? बिल्कुल सही है, आज यहाँ पे पिछले कई सालों से सांसद और विधायक बीजेपी के रहे हैं और कोई भी कार्य नहीं हुआ है। किस पार्टी से हैं आप? हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। बनारस में सिर्फ कांग्रेस ने काम किया? ना, कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। क्या लगता है, क्या किया? ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, सड़कें वड़कें बढ़िया होनी चाहिए थी, बिल्डिंग वगैरह बढ़िया होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ। सर मेरे को लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 10 साल में गुजरात में काम किया, इस तरह से अगर वो पूरे भारत के अंदर अगर काम करेंगे तो इस देश के हालात बदल जाएंगे। बनारस को तो वैसे तो मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, इसीलिए टूरिस्ट हब है और यहाँ पे तमाम बौद्ध नगरी भी है। सारनाथ यहाँ पे बहुत महात्मा बुद्ध आए थे। भैया क्या लगता है कि आप लोग क्या समझ, दिन भर रखवाली करते हैं, संभालते हैं व्यवस्था, आप लोग कोई तकलीफ होती है कि नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, हमेशा 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं एकदम। आप लोग चलते जनता को तकलीफ होती है कि नहीं? कोई तकलीफ नहीं होती है, जनता भी खुश आप भी खुश। हाँ, बनारस की मस्ती है कि दोनों खुश है। क्यों भाई, पुलिस से आप लोग भी खुश हैं? जी हाँ बिल्कुल खुश हैं। चलिए, कम से कम पहली बार देखने को मिला कि पुलिस वाले भी 24 घंटे नौकरी करके खुश हैं और उनके 24 घंटे काम करने से जनता भी खुश है। क्या बांट रहे हैं आप? मैं ये नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ से आया हूँ, ये हमारी पत्रिका सब जगह जो है गई, हमारी रजिस्टर संस्था है लारी गल्ला लड़ समिति है फुटपाथ पर करने। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, आज एक महीने हो गया है। इसमें ये दिया गया है कि आप लोग यदि देश के लिए कुछ अच्छा काम यदि आपको करना है तो ऐसे आदमी को ले आइए जो देश का भला हो सके। आपको पता है ना बनारस खुद ही गुरुओं की नगरी है, यहाँ कोई चेला नहीं है, सब गुरु है, यहाँ खुद समझदार है। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जो है सो बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं अहमदाबाद से बनारस में आया हुआ हूँ। और इसके पहले वोट डालने नहीं, वोट डलवाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, कह सकते हैं कि जो लोग बनारस से रहने वाले दूर गए कहीं कहीं लौटे हैं, उनका कहना है कि हम वोट डलवाने आए हैं और खासतौर से अहमदाबाद से आए हैं और हाथ में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मकसद साफ है कि हम गुजरात से आए हैं तो प्रशंसक मोदी जी के ही हैं। नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारस जगदीपुर कातिपुर रनिया वाराणसी के रहने वाले हैं, हम बनारस से, हम कलकत्ता से आ रहे हैं। हाँ, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। पहले हमेशा हमेशा आए हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के हम अभी चुनाव लोकसभा विधानसभा हर आते हैं वोट देने के लिए। हर एक आदमी को वोट डालना चाहिए, घर से पूरा परिवार को लेकर के जितना जिसका नामांकन आया है सबको वोट डालना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी सर, ये बात हमारी भी राय है कि सभी कोई वोट डाले और अपने विवेक के अनुसार जो जिसको अच्छा लगे। चुनाव की स्थिति विकास विकास होना चाहिए और विकास वही करेगा जो ईमानदार होगा और कर्मयोगी होगा, मोदी के अलावा ये कोई कर नहीं पाएगा, कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभली तो भारत कहाँ संभलेगा, मोदी को ही पीएम बनेगा। यहाँ पर प्रशंसकों की संख्या क्या करते हैं? केजरीवाल ईमानदार आदमी है, उनको जितना चाहिए। गाजीपुर से? हाँ, गाजीपुर में 12 के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, आम आदमी को विकास चाहिए, कुल निष्कर्ष इतना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं जरा। हम आप पहुंचे हैं भारत माता मंदिर में और खास तौर से बता दें कि इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। उनकी एक सोच थी, जब वो बाहर गए थे तो भारत का एक नक्शा देखा था जमीन पर पड़ा हुआ, उसके चलते उनके मन में एक सोच जागृत हुई कि क्यों न इस तरह का निर्माण काशी में कराया जाए, जिसके चलते उन्होंने इस पूरी कल्पना को साकार करने की कोशिश की और लगभग 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद 1918 में यह भारत माता मंदिर बनकर तैयार हुआ।
जो कि काशी विद्यापीठ के कैंपस से लगा हुआ है। देश विदेश के सैलानी तो यहाँ आते ही हैं। भारत के जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनकी खास रुचि होती है इस डिज़ाइन को समझने में, क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया आप खुद देख सकते हैं कि कितने कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर टापू हैं, उन सबका इसमें वर्णन किया गया है। उसके पैमाने के साथ तो कह सकते हैं काफ़ी परिश्रम के साथ इसको उकेरने की कोशिश की गई है। कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? निर्मित। निर्मित किस क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। क्या है ये? मंदिर है। किसका मंदिर है? भारत माता का। किसने बनवाया था बेटा? नहीं पता। चुनाव हो रहा है, जानते हो चुनाव होने वाला है? घर में वोट पड़ने वाला पता है? क्या चलता है घर में बातचीत? कुछ नहीं चलता। किसी को वोट नहीं देंगे घर वाले? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? क्यों? क्योंकि अच्छे है वो। अच्छे हैं? आपको भी अच्छे लगते हैं? क्यों? ऐसे ऐसे अच्छे लगते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इधर आ बेटा। क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। फर्स्ट में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते बेटा? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन में। अच्छा ये बताओ किसको वोट देना है? मोदी को। मोदी को? कितने साल के बच्चे हो तुम तो वोट दे नहीं पाओगे। पापा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो अच्छे है। अच्छे है? किसने बताया आपको? किसने बताया बेटा अच्छे हैं? बताओ शर्माते हो क्या? बोलो बेटा किसने बताया कि मोदी जी अच्छे हैं? अब शर्मा गए तुम। भैया ने बताया? क्यों तुमने बताया? मम्मा ने बताया। अच्छा किसने बताया आपको? मम्मा ने। मम्मा ने बताया। मम्मा क्या करती हैं? कुछ नहीं। पढ़ाती हैं कि पढ़ती हैं? आपको पढ़ाती हैं केवल? क्या करती? बाहर कहीं नौकरी करती हैं? नहीं कुछ नहीं करती। तो घर में माहौल आजकल चुनाव का चल रहा है तो बच्चों के जुबान पर भी कहीं ना कहीं मोदी हावी होने लगे हैं। कहते हैं ब्रांड इमेज के माहिर हैं और वही शायद उसी का कमाल है कि बच्चे भी जिनको वोट से कोई सरोकार नहीं है, वोट के मायने नहीं समझते हैं, उनको भी लगता है कि उनको वोट देना है तो मोदी को देना है। ये भारत माता मंदिर में जो बच्चे देखने आए, घूमने आए, इस कैंपस में रहते हैं, ये उनकी सोच है, उन्होंने बताने की कोशिश की। साथ ही एक चीज़ और दिखा दूँ, इस कैंपस में घड़ी टंगी हुई है और वो घड़ी ठहर गई है क्योंकि अभी हमारे पास घड़ी में बज रहा है दिन के 12:30, लेकिन ये घड़ी बजा रही है 3:25। तो जिस तरीके से घड़ी ठहर गई है शायद उसी तरीके से काशी का और साथ साथ पूरे देश का विकास भी ठहर गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं आम जनता ये चाहती है कुछ बदलाव हो जिससे देश का भला हो, देश का कल्याण हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो शायद जनता कुछ गलत नहीं सोचती, घड़ी ठहरी है तो देश भी ठहरा है, दोनों की चलने की जरूरत है, तभी जाके देश सजेगा, संवरेगा और शायद अच्छा बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस मंदिर भी को भी विवादों के घेरे में रखा गया है और खासतौर से हमने अंदर देखा था घड़ी ठहर गई है, घड़ी रुक गई है। उसका कारण बताया यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति ने, उन्होंने साफ कहा कि इसके पीछे सिर्फ संपत्ति की लालच है क्योंकि विद्यापीठ प्रशासन चाहता है कि भारत माता मंदिर की जमीन को हथिया लिया जाए और भारत माता मंदिर का जो जमीन है वो शिव प्रसाद गुप्त जो कि काशी के वासिंदे थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, उनको लगता है ये उनका हक है। इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो मामला न्यायालय में लंबित है जिसके चलते यहाँ की न सड़कें सुधर पा रही हैं न यहाँ का विकास हो पा रहा है। वरना पैसे की कमी नहीं है, न तो नीयत की कमी है न पैसे की कमी है, लेकिन कमी है तो शायद प्रशासन की ढुलमुल रवैये की, क्योंकि प्रशासन और विद्यापीठ को समझना चाहिए कि शायद भारत माता मंदिर देश की पहचान है, सिर्फ काशी की पहचान नहीं है। जयपुर राजस्थान। बनारस एक ऐसी नगरी है जिसमें सर्वधर्म संभव है। बनारस की पहचान क्या है? बनारस की पहचान यहाँ की गंगा है, यहाँ के पान है, यहाँ के लोग है, जो उनका प्रेम व्यवहार है वो गंगा गंगा पान प्रेम व्यवहार के आगे कुछ और भी काशी है, बहुत सारी काशी है। ये एक ऐसी नगरी है जहाँ से कि भारत जो देश था पहले वो देश एक दस ऐसे लोगों का नाम बता दें जिसके चलते काशी आज भी पहचानी जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग मदन मोहन मालवीय लिखे आज भी बहुत दरअसल यह कला की भी नगरी है, संस्कृत की नगरी है, धर्म की भी नगरी। ये बनारस का चुनाव यहाँ के नेतागिरी कम करिए, जो पूछ रहे हो बताइए, 10 लोगों का नाम बताइए जिसको जिसके चलते काशी की पहचान है। जो बनारस का चुनाव है 10 लोगों के नाम बताइए। मैं 10 लोगों के नाम शायद आपको नहीं बता पाऊंगा जिनमें आप एक मिनट सुनिए, मैं आपसे आपकी वजह से काशी जानी जाती है, मेरी वजह से काशी जानी जाती है, हर एक परिवार जो बनारस में रहता है उसकी वजह से काशी जानी जाती है। आज शनि सब एक मिनट, इसके बारे में कहा जाता है मधुर मनोहर अतीव सुंदर सर्व विद्या की राजधानी, ठीक,
यह सभ्यता की राजधानी है, संस्कृत की राजधानी है, कला की राजधानी है, और शायद यहाँ पर ऐसे ऐसे पद्मश्री घूमते हैं जिनको देख के आपको यकीन नहीं होगा ये पद्मश्री हैं। हम उस तरह के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने देश का नाम सिर्फ, जैसे बिस्मिल्ला खान साहब हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपने काशी क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं आप यूएस गए, तो बोले दरअसल यूएस में गंगा नहीं जाती है, एक उनकी धारणा थी, गंगा जमुनी सोच की, तमीज की, तहजीब की का वो शहर है। इसलिए हम जानना चाहते हैं काशी में ऐसे उस 10 विभूतियों के बारे में हम जानना चाहते हैं जिसके बारे में लोग जाने, ऐसे लोगों के नाम हम जानना चाहते हैं। मैं आप जो बात कह रहे हैं आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस एक आंदोलन के रूप में हम आए, हम उन विभूतियों को याद नहीं, हम उन विभूतियों के साथ में मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हर बनारस का वो व्यक्ति अपने आप को इस चुनाव के अंदर में एक विभूति बना दे, और वो अब की बार जब इस चुनाव में अपने आप को चुने, उसके लिए जरूरी है कि कुछ इस तरह की चीजें खड़ी की जाएं। जैसे आपने देखा कि गुदई महाराज हों, किशन महाराज हों, बिस्मिल्ला खान साहब हों, एक बिस्मिल्ला खान साहब चले गए, दूसरा शायद बिस्मिल्ला पैदा होने में जमाना लग जाए। तो बिस्मिल्ला साहब की सोच थी कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सहनाई की तान उच्छत से मारते हैं और उन्हें लगता है बाबा अपने मंदिर में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, ये उनकी सोच थी। हम इसलिए चाहते हैं कि उस सब चीजें सामने आनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। हम आगे का सफर तय करेंगे जिस तरीके से हम सफर की शुरुआत की थी महात्मा से मालवी तक, तो सफर की शुरुआत अभी पहुंची है सिद्धगिरी बाग के पास, आगे का सफर जारी है। बीएचयू से चंद किलोमीटर पहले पड़ता है दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि मंदिर के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, क्योंकि टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा हब है, तो आखिर इनकी सोच क्या, क्या चाहते हैं कि बनारस को क्या मिले, किस तरह से विकास हो। आप बनारस से रहने वाले, क्या लगता है कि धर्म की नगरी है, लोग तमाम पर्यटक आते हैं, क्या बनारस को मिलना चाहिए? अरे बनारस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, आज 25 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं खुला, सड़कें वड़कें सब टूटी पड़ी है, कंजेशन उसी तरह से है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हाँ सुधरना चाहिए। अच्छा, मंदिर के सामने फूल मिलता है, लेकिन काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पान भी मिलता है, कल्चर है, सभ्यता है। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, थोड़ा हम कम पढ़े लिखे, हमको बोलना आता नहीं है। कोई बात नहीं, बनारस चाह रहा था विद्वान वाला यार। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिएगा, तो ये तो बताइए काशी के लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ के राजा स्वयं काशी विश्वनाथ हैं, वही जो करेंगे करेंगे। काशी के बारे में मानता है कि बाबा भोले के त्रिशूल पे नगरी बसी है, इसीलिए यहाँ के लोगों की एक धारणा बड़ी प्रबल है कि नेता क्या इस शहर को देगा, जो देंगे बाबा विश्वनाथ देंगे। और एक बात और बता दूं इस गूढ़ रहस्य इस शहर का, यहाँ के राजा बाबा विश्वनाथ हैं और जो कोतवाल हैं वो काल भैरव हैं। हजारों लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के, मिलते होंगे, क्या उन लोगों की तकलीफें आप लोग कुछ शेयर करते हैं जो आते हैं, कि कोई तकलीफ उनको होती है? जाहिर सी बात है, शेयर तो करते ही करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ की ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ पे थोड़ा जो गंदगी है, गंदगी की समस्या ज्यादा है, कूड़े हर जगह फेंके रहते हैं, वहाँ उठते नहीं है, और थोड़ा गंगाई सफाई अभियान में जो है सफाई वफाई होता ही नहीं है, गंगा जी एकदम समझ लीजिए खत्म होने के कगार पे चल रही है। हमने सारनाथ से अपने सफर की शुरुआत की थी, उसके पीछे की मकसद थी कि जब बुद्ध को ज्ञान मिला था तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सफर का समापन करने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं महामना के उस कर्म भूमि के पास जिसका नाम बीएचयू है, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हम खड़े एक ऐसे दुकान पर जहाँ बच्चे कंपटीशन की तैयारियों के लिए जो फॉर्म निकलते हैं कि अपनी नौकरियों को बांट के उसके तलाश में आते हैं, बड़ी उम्मीद होती है जब इस तरह के बांट निकलते हैं कि शायद फॉर्म भरेंगे तो हमें दाखिला मिल जाएगा। नहीं, कई बार इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि एडमिशन तो हो जाए, उसमें भी दोष है कि उसमें भी सिफारिश चलती है, और नौकरी भी तभी मिलती है तब जब कभी तो वहाँ थोड़ी बहुत सिफारिश होती है। क्या लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, तो आपने क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार होनी चाहिए? अब इसके लिए तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता ना, हालात के अनुसार तो भाई सरकार एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। और मैं एग्रीकल्चर से रहा हूँ। हाँ जी, एग्रीकल्चर का विकास हुआ है क्योंकि? नहीं, देखिए क्या है कि एक्सटेंशन वर्कर की कमी है, वास्तव में जो होना चाहिए अवेयरनेस हमारे ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पा रहा है, और जो जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं उनको वहाँ तक ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो लिमिटेड दायरे तक ही रह पा रहा है, अनुसंधान की कमी एक तरह से और एक्सटेंशन की कमी। उम्मीद पे दुनिया कायम, आपको लगता है जो सरकार बनेगी वो जो सांसद होगा शायद इस बार कुछ काशी के लिए करेगा? ये तो भी बहुत ही कहना मुश्किल है कि जैसा देखा जा रहा है केजरीवाल जी और मोदी जी दो बड़े बड़े नेता यहाँ से लड़ रहे हैं, तो कह सकता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ बनारस की तकदीर बदलने वाली है। अच्छे दिन काशी के लिए आने वाले हैं। जिस तरह के हालात दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा महामना की मूर्ति की तरफ ले चलना चाहूँगा कि ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार। खासतौर से कहा जाता है कि मालवीय जी की मूर्ति इसलिए बाहर लगा दी गई कि कोई अराजक लड़का इसके अंदर दाखिल न हो, क्योंकि मालवीय जी हाथ में छड़ी लिए खड़े हैं, और ये कहा जाता है जो अराजक लड़का दिखता है
उसको अपनी छड़ी से ही बाहर रोक देते हैं। लेकिन काशी के अंदर BHU के अंदर अराजक लड़के भले ही न जाएं, लेकिन इस धर्म की नगरी, इस संस्कृत की नगरी में कहीं न कहीं बाहुबलियों ने भी कब्जा जमाया है। यहाँ की फिजा में बाहुबलियों ने भी अपना प्रभाव छोड़ा है। तो किसी पूर्वांचल से मुख्तार भी आते हैं, अजय राय भी आते हैं, सुशील सिंह भी आते हैं, धनंजय सिंह भी आते हैं। तो कह सकता हूँ कि जो नई पीढ़ी है उसके मन में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर तैरता है कि क्या ये भी हमारे रोल मॉडल हैं। महामना का ये कैंपस माँ सरस्वती के झंडे से गौरवान्वित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीधा एक मकसद है कि हम शिक्षा देते हैं तो माँ देवी सरस्वती जो हैं वो हमारी आराध्य हैं, और उनसे अगर उनको अगर अपना रोल मॉडल लेके चलेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो शायद अच्छा भविष्य, अच्छा जीवन हम हासिल कर पाएंगे। तो ये सफ़र अब हम यही समाप्त करते हैं, और हमने कोशिश की है कि सारनाथ से लेकर BHU तक आपको ये दिखा सकें कि महात्मा से मालवीय के बीच की जो दूरी है वो किस तरीके की है, जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, विकास की रफ्तार क्या है। इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको रेलवे स्टेशन का भी नज़ारा दिखाएं, रोडवेज का भी नज़ारा दिखाएं, साथ ही दुर्गा कुंड पर भी हम आपको लेके गए, कुछ अन्य चौराहों पर भी ले गए, और साथ ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हमें दिखे उनसे भी हमने आपका परिचय कराने की कोशिश किया, उनके विचार सुनवाने की कोशिश की। फैसला आपके हाथ में है कि सफर में जो खामियां, जो अच्छाइयां आपने देखी हैं उससे नेताओं को आप किस तरीके से आंकते हैं और किस तरीके से अपना एक विजन तैयार करते हैं कि आखिरकार काशी को किसने क्या दिया और काशी ने उन्हें क्या दिया। APN के लिए अपने सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ विनय राय।